फ्री सब्सक्राइब कीजिए जवाबी बाबा चैनल को और बेल आइकन को दबाएं, रोज पाएं ऑसम नॉलेज वीडियोस। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है? क्लाउड नेटवर्क या क्लाउड टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर की दुनिया में ये क्लाउड वर्ड आता ही क्यों है, आपने भी जरूर सुना होगा। आज के वीडियो का टॉपिक यही है। इस वीडियो में बहुत ही कम समय में और आसान समझ में आने वाली भाषा में आपको मैं 4-5 मिनटों के अंदर बताऊंगा कि क्लाउड टेक्नोलॉजी होता क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है इसका पूरे का पूरा। बहुत जल्द आ रहा है, देखते रहिए इस वीडियो को आगे। मेरा नाम है हुसैन, आप देख रहे हैं जवाबी बाबा चैनल। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, क्लाउड टेक्नोलॉजी या क्लाउड कंप्यूटिंग इज एन ऑन डिमांड एक्सेस ऑफ कंप्यूटर रिसोर्सेज, स्पेशली डेटा और एनी कंप्यूटर प्रोग्राम। अब इसको मैं आसान से समझ में आने वाली भाषा में आपको बताता हूँ। क्लाउड का बादलों से कुछ भी ले, क्लाउड टेक्नोलॉजी का कंप्यूटर की दुनिया में बादलों से कुछ भी लेना देना नहीं है। बादलों से ना तो कोई कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी आ रही है, बादलों में ना कोई कंप्यूटर लगा हुआ है, ये बस एक नाम दिया गया है। इसका मतलब सीधा सीधा सा यह है कि ओवर द इंटरनेट एक्सेसिंग एनी डेटा और एनी कंप्यूटर प्रोग्राम। इंटरनेट के ऊपर जब आप किसी डेटा को यूज़ कर रहे हो, डेटा को सेव कर रहे हो या किसी कंप्यूटर प्रोग्राम को यूज़ कर रहे हो, तो वो होता है क्लाउड कंप्यूटिंग। अब ये बहुत छोटे लेवल पर भी की जाती है, बहुत बड़े बड़े बिजनेस लेवल पर भी की जाती है। आज के दौर में क्लाउड टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा स्केल अप कर गई है, बहुत ही ज़्यादा इसका बड़े पैमाने पर यूज़ हो रहा है, और स्पेशली बिजनेस यूज़, किसी भी चीज़ का बिजनेस यूज़ ज़्यादा होता है तो बिजनेस यूज़ इसका बहुत हो रहा है। इसका मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आप गूगल ड्राइव यूज़ करते होगे, गूगल आजकल दुनिया में सभी लोग यूज़ करते हैं। गूगल ड्राइव आप यूज़ करते होगे जिसमें हम अपना डेटा वगैरह सेव करते हैं। एवर नोट अगर आप एंड्रॉयड यूज़ करते हो तो एंड्रॉयड में एवर नोट, एप्पल में भी है एवर नोट है, तो एवर नोट एक डेटा सेविंग एप्लीकेशन है जो कि लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, उसमें भी आप अपना डेटा सेव करते हो। वो डेटा सेव हो कहाँ रहा है? किसी के घर में कंप्यूटर लगा वहाँ सेव हो रहा है, या एवर नोट कंपनी में के ऑफिस में कंप्यूटर लगा है वहाँ पर सेव हो रहा है? ये डेटा क्लाउड पे ही सेव हो रहा है। इसका मतलब उस कंपनी ने जहाँ पर भी अपने डेटा सेंटर बनाए, यानी कि डेटा सेंटर एक्चुअल फिजिकल लोकेशन में उन्होंने सर्वर्स लगाए हुए हैं अपने, वो सर्वर में डेटा सेव हो रहा है और आप उसको ऑन द इंटरनेट एक्सेस कर रहे हो, तो इसीलिए उसको क्लाउड टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड सर्विसेज कहा जाता है। ये जो एप्लीकेशंस का मैंने आपको एग्जांपल दिया, ये तो फिर भी वो एप्लीकेशन है जो हमारे और आपके जैसे ज़्यादातर लोग रिटेल यूज़र्स, फ्रंट एंड यूज़र्स यूज़ करते हैं, तो ये वो एप्लीकेशन है। क्लाउड का बहुत बड़े पैमाने पर यूज़ बिजनेस यूज़ होता है। बिजनेस में सबसे बड़ी क्लाउड की जो जीत है वो इसलिए क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा स्केलेबल टेक्नोलॉजी है। भाई आज मेरा छोटा बिजनेस है, मेरे पास 5-10 एम्प्लॉई हैं, कुछ मैंने 7-8 कंप्यूटर लगा रखे हैं, तो मैं क्लाउड टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहा हूँ। मान लो कि मेरा जो कस्टमर कवरेज है वो 200-300 क्लाइंट तक का ही है। कल को जब मैं अपना बिजनेस एक्सपेंड करूँगा, मेरे पास 500 एम्प्लॉय हो गए और मेरी जो बिजनेस कवरेज है, मेरे पास हजारों क्लाइंट्स हैं, तो उन सब के जितने लाखों ट्रांजैक्शंस होंगे वो सारा का सारा डेटा मैं कैसे मैनेज करूँगा? तो इन सब के लिए क्लाउड बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल है क्योंकि क्लाउड के ऊपर बहुत ही ज़्यादा आसान है स्केल अप या स्केल डाउन करना। अगर आप अपना खुद का डेटा सेंटर बनाओगे, खुद के सर्वर्स खरीदोगे, उनको रखने के लिए जगह चाहिए, तो ये स्केलेबिलिटी जो होती है बिजनेसेस के लिए बहुत ज़रूरी होती है। आसान नहीं होता है अपना सारे रिसोर्सेज खरीदना और ज़रूरत के हिसाब से फिर उनको कम बढ़ती करना। क्लाउड पे काम कर रहे हो तो ये सब कुछ करना बहुत आसान है। जब मर्जी चाहे ऑन डिमांड आप लाइसेंसेस खरीद लो जितने बंदों के चाहिए, जितनी ज़्यादा बैंडविड्थ खरीद लो, कोई भी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम आपको ऑन क्लाउड यूज़ करना है तो कितने लोगों के लिए यूज़ करना है कम बढ़ा सकते हो, कितनी बैंडविड्थ चाहिए, कितने लोगों का उसमें डेटाबेस बनाना है, उसके हिसाब से आप बैंडविड्थ उसको हमेशा घटा बढ़ा सकते हो। तो ये स्केलेबिलिटी बहुत आसान होती है क्लाउड टेक्नोलॉजी के ऊपर। क्लाउड का जो बिजनेस यूज़ हो रहा है उसमें कुछ टर्म्स होती हैं, जैसे कि SaaS का आपने नाम सुना होगा, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। आजकल पास भी शुरू हो गया, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, IaaS। ये सब कुछ क्लाउड की वजह से पॉसिबल हो रहा है। यानी कि जो एजेंसीज हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, Amazon एक बहुत बड़ा बिजनेस है जो अपनी क्लाउड सर्विसेज दुनिया भर में कस्टमर्स को देता है, बिजनेस कस्टमर्स को देता है। बिजनेस यूज़ में एक सबसे बड़ा जो एग्जांपल है क्लाउड का, जो सबसे बड़ा यूज़ है, Salesforce.com। इसके ज़्यादातर CRM बड़ी बड़ी कंपनीज में यूज़ होते हैं, आपने शायद नाम सुना होगा, उसको सर्च कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा एग्जांपल है जो
क्लाउड टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है और बड़ी बड़ी एमएनसीज इसको यूज करते हैं। नेटफ्लिक्स आजकल इंडिया में बहुत ज्यादा आ गया, लोग इसका सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं। तो ये नेटफ्लिक्स कैसे चल रहा है, ये जो जितनी भी आप पिक्चर्स देख रहे हो ये कहाँ पे सेव्ड है, ये क्लाउड पे सेव्ड है। इसमें नेटफ्लिक्स ने एज अ कस्टमर, एज अ बिजनेस कस्टमर अमेजोन क्लाउड की सर्विसेज ले रखी है। तो क्या कर रखा है, अमेजोन के सर्वर्स पे डेटा सेंटर बना हुआ है, वहां पे सारा का सारा डेटा सेव होता है, जिसको ओवर द इंटरनेट यानी कि ओवर द क्लाउड पूरी दुनिया भर में जो हमारे और आपके जैसे लोग हैं एक्सेस कर सकते हैं, हमारे क्रेडेंशियल्स बन सकते हैं, बन जाते हैं, हम उसमें लॉग इन करते हैं, जौन सी मर्जी पिक्चर देखते हैं। तो ये क्लाउड पे पूरा का पूरा बिजनेस चला रखा है नेटफ्लिक्स ने। तो बस आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, क्लाउड टेक्नोलॉजी के बारे में ये थी थोड़ी सी बातें जो कि आपको समझ में जरूर आई होंगी और आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा एक और क्लाउड टेक्नोलॉजी होती क्या है। इस तरीके के क्या क्यों कैसे वाले वीडियोज और भी आते रहेंगे, पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मिलूंगा मैं आपसे अपने अगले वीडियो में। गुड बाय।